व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर इन वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। जो स्ट्रगल, जो प्रॉब्लम, जो टेंशन, जो आज की डेट में आप लोग काम करते हुए आप लोगों को मिल रही है, वो सारी आप लोगों को आने वाले टाइम के लिए तैयार कर रही है। अगर इनको आज की डेट में आप लोग टैकल कर निकल जाओगे तो आने वाले टाइम में आप लोगों का रास्ता आसान हो जाएगा और जिंदगी को जीने में मजा आएगा। पर लेकिन अगर आज आप लोग इनको इग्नोर करके चलोगे तो आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसको बिल्कुल आप लोग ऐसे ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो न्यूज़पेपर में आप लोगों के सामने कोई वर्ड आया जिसका मीनिंग आप लोगों को नहीं पता है, आप लोग क्या करें, उसको छोड़कर आगे निकल गए, वो वर्ड फिर आप लोगों के आगे आएगा। तो इस तरीके से क्या है, आगे अगर आप लोग इस तरीके से डेली दो दो चार चार वर्ड छोड़ते चले गए तो एक दिन आप लोगों के सामने इतना बड़ा एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा उन शब्द का कि आप लोगों को वो आर्टिकल ही समझ में नहीं आएगा कि क्या यहां पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जो भी माइंड में कहीं पर भी कोई भी किसी तरीके का डाउट है, वहीं पर ही रुकिए, उसको क्लियर कर आगे बढ़ेंगे तो इससे लाइफ में आप लोगों को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। ये लाइफ में प्रॉब्लम को लेकर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो आप लोग, और दूसरी साइड में आप लोग इसको अपनी पढ़ाई यानी कि एजुकेशन में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। जहां पर भी जो भी डाउट होता है वहीं पर ही उसको क्लियर कर तब आगे बढ़ना है, क्वेश्चन मार्क लाइफ में लगाकर नहीं रखना है। अगर क्वेश्चन मार्क लगाकर रखोगे तो फिर आगे वो आप लोगों को प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, इस बात की गारंटी है। और आप लोगों ने चीज फील भी की होगी, कितने ऐसे लोग हैं जिसने चीज फील की है, जैसे कि आज न्यूज़पेपर का डिस्कशन नहीं सुना, ठीक है चलो कल सुन लेंगे, कल फिर नहीं आएगा, ये थोड़ा ना कि कल नहीं आएगा, तो फिर कल सोचेंगे यार कल का भी बचा हुआ है, तो माइंड पे बर्डन पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहीं से टेंशन स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोगों को आज का काम आज ही खत्म करना है जहां तक पॉसिबल हो सके, ये कोशिश आप लोग जरूर कीजिए, वरना ये इतना बड़ा बर्डन हो जाता है कि आप लोग फिर इसको कंप्लीट नहीं कर पाते, ठीक है। तो कितने ऐसे बच्चे जिसने ये चीजें फील की है और कितने ऐसे जिसने नहीं फील करी है, जिसने फील करी है वो वाई लिखी है, जिसने फील नहीं किया है वो नो लिखी है, जिसने फील नहीं किया इसका मतलब ये वो कंटिन्यूटली में अपना काम कर रहा है डेली और खत्म कर रहा है, और जिसने फील किया इसका मतलब ये है कि थोड़ा बहुत आलसीपन आ जाता है माइंड में कि चलो इसको छोड़ देते हैं और कल कर लेंगे, तो तब ये कंडीशन देखने को मिलती है, तो इसको रोकिए, ओके। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, ये बात की जा रही है रुद्र सागर लेक के बारे में। तो रुद्र सागर लेक देखिए किस राज्य में है, इसको कब इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया, तो इसके बारे में फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में, और देखिए लेक्चर जो है थोड़ा सा लेट हो रहा है, रीजन इसका ये भी है, एक तो डेली चार वीडियो बना रहा हूं, चार वीडियो बहुत ज्यादा हो जा रही है, बहुत ज्यादा हो जा रही है यार, तीन चार दिन से तो लगातार। एक तो आप लोगों का ईपीएफओ वाला कल सिलेबस का भी आ गया, आप लोगों का क्या क्या पार्ट आप लोगों को पढ़ना है जो कि आप लोगों को सही डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो सारी बुक्स मैंने उसके अंदर बताई है, जो भी आप लोगों को पढ़नी है वो आप लोग जरूर देखिएगा, और कहां से आप लोग खरीद सकते हैं वीडियो के नीचे उनका लिंक भी दिया है, अगर आप लोगों के पास में वो किताबें नहीं है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से, आप लोगों को इसको ग्रैब करना चाहिए, तो अच्छे से उस एग्जाम की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो पूरा रिसोर्स लिस्ट मैंने आप लोगों को वहां पर दे दी है, ठीक है। तो उसमें भी काफी टाइम लग जाता है सारी चीजें सर्च करने में, चीजों को बताने में, और सबसे ज्यादा टाइम जो लगता है वो पीपीटी बनाने में, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा टाइम लेता है। न्यूज़पेपर पढ़ने मुझे मैक्सिमम एक से डेढ़ घंटा लगता है मैक्सिमम, ठीक है, पर लेकिन जो वीडियो तैयार होती है वो पांच से छह घंटे में तैयार होती है, मिनिमम पांच घंटे तो लग ही जाते हैं। और इसके चलते क्या होता है, कंडीशन इसके चलते ही होती है कि फिर इसको सारी चीजें जो करने में जो टाइम लगता है, तो उसके चलते मेरे लिए अपना टाइम जरा सा भी नहीं बच पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो देखता हूँ कैसे चीजें एडजस्ट करनी है, क्योंकि चार वीडियो जब हो जाते हैं तो फिर तो जैसे रात तो था बिल्कुल दो बजे सोया, ठीक है, तो फिर सुबह उठा तो सुबह उठने के बाद में फिर सो तो पाए नहीं ढंग से, तो वही सारी चीजें चल रही हैं तीन चार दिन से। तो प्लीज थोड़ा सा, मतलब कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर टाइम क्या कर रहे हो, तो यार देखिए ये मेरी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इसको जानबूझ कर रहा हूँ, ये प्रोसीजर ही ऐसा चल रहा है कि इसमें हो जा रही है चीजें, ठीक है, हालांकि मुझे बहुत कॉम्प्रोमाइज चीजें करनी पड़ रही है अपनी। चलिए कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप लोग खुश रहो। थोड़ा सा देखिए वीडियो लेट होती है पर लेकिन आ रही है, ठीक है, और जल्दी ही ये फिर टाइम पे भी आएगी, टेंशन मत लो, जैसे ही चीजें थोड़ी सोल्ड आउट हो जाती हैं। तो आइए आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं, और ऊपर से ये हो गया, आर्टिकल भी बहुत सारे आ गए और सारे अच्छे आर्टिकल हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा और यहाँ पर टाइम ज्यादा लग गया, ठीक है। तो आइए नजर डालते हैं आर्टिकल्स के ऊपर। जो फर्स्ट आर्टिकल है बहुत प्यारा आर्टिकल है, यहाँ पर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, स्पीकर की पावर और एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जिक्र किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आप लोग बोल सकते हैं कि मेंस के और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरव्यू भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस तरीके का आर्टिकल है यहाँ पर। एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है, एसर रिपोर्ट के बारे में इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में हम लोग नजर डालेंगे। कॉटन इंडस्ट्री और हमारी कंट्री में जीएम क्रॉप और किसानों के बारे में बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे।
ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर चाइना और म्यांमार के रिलेशन के बारे में, पर लेकिन इंडिया के ऊपर भी इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है क्योंकि म्यांमार पड़ोसी देश है हमारा, तो उसके चलते हुए आर्टिकल को हम लोग अच्छे से यहाँ पर देखेंगे। ये वाला आर्टिकल अभी यहाँ पर डिस्कस करूंगा, अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये वाला आर्टिकल है कोरोना वायरस के बारे में जो कि चाइना में काफी ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है, तो इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। हालांकि इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग चीज डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी एक आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। ये आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में और इंडिया की सॉफ्ट पावर के बारे में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में हम लोग नजर डालेंगे। डेटा पॉइंट को भी देखेंगे और यह है आज का कार्टून जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। यह कार्टून कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर बात की जा रही है कि जिस तरीके से इनक्रेडिबल इंडिया हम लोग बोलते हैं, तो आज के डेट में जो हमारी कंट्री में कंडीशन बनी हुई है कुछ, तो कहीं ना कहीं जो संविधान है उसको भी हम लोग छेद कर निकल गए हैं, यानी कि संविधान यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम लोग सबसे ऊपर मानते हैं उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये बताइए हमारी कंट्री में, जो हमारी कंट्री में अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किसको बोला जाता है अगर ढंग से आप लोग बोले। ठीक है, तो हालांकि बनाया तो बहुत लोगों द्वारा है, पर लेकिन जो प्रॉपर वे में जिसके द्वारा इसको ड्राफ्ट किया गया और वही पर्सनैलिटी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, तो कौन है वो पर्सनैलिटी? और एक और बात जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, उन्हीं के द्वारा जो संविधान में आर्टिकल 32 है उसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था, जो कि पार्ट थर्ड में आप लोगों को देखने को मिलता है, फंडामेंटल राइट है जिसमें 12 से 35 तक हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें इसी इंसान से रिलेटेड है, तो इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं छोटे से आर्टिकल के ऊपर जो कि आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए। ये जो बात यहां पर की जा रही है, ये बात की जा रही है तानाजी मूवी के बारे में। ठीक है, तो तानाजी मूवी को अभी यहां पर इसके ऊपर टैक्स फ्री कर दी गई है महाराष्ट्र के अंदर, तो इसके ऊपर यहां पर ये आर्टिकल आया हुआ है। बहुत ही प्यारी मूवी है, टाइम लगेगा तो जरूर जाकर देखेगा। एक हिस्ट्री का पोर्शन आप लोगों को जानने को मिलेगा और किस तरीके से गोरिल्ला वारफेयर हुआ करती थी पुराने टाइम में, वो काफी अच्छे से यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है। तो जो यहां पर टैक्स फ्री किया गया तो पर जीएसटी पिक्चर में आ रहा है, तो देखें यहां पर ये बोला जा रहा है कि आज की डेट में अगर मान ले कोई राज्य टैक्स फ्री कर देता है तो इसका मतलब ये है कि वो आधा टैक्स फ्री होता है, क्योंकि एक साइड में राज्य का टैक्स है और एक साइड में सेंटर का टैक्स है, तो सेंटर का टैक्स तो फिर भी चलता रहता है। तो हमारी कंट्रीज में अगर हमारी कंट्री नहीं हमारी कंट्री में अगर अपने देश में आप लोग देखोगे तो फंडा ये देखने को मिलेगा कि जो चीजें हैं उनको ढंग से प्रमोट नहीं किया जाता है। इसको सॉफ्ट पावर की तरीके से भी हम लोग देखते हैं। अगर सॉफ्ट पावर की आप लोगों से कोई डेफिनेशन पूछे तो प्रॉपर वे में आप लोग बोल सकते हैं कि एक इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आप लोग सॉफ्ट पावर को इन्वॉल्व करेंगे तो ये एक अप्रोच है जिसमें इकोनॉमिक और कल्चर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। यानी कि इस तरीके से आप लोग यहां पर बोल सकते हैं आज के डेट में हमारी जो मूवीज है वो कई सारे अलग अलग कंट्रीज में भी दिखाई जाती है, हमारी कल्चर स्प्रेड होती है इसके थ्रू पता चलता है कि हमारी कंट्री कैसी है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और कई बार इंटरनेशनल रिलेशन कल्चर जब दिखाई जाती है तो ये काफी बड़ा रोल भी प्ले करती है। तो हम लोग जो हमारी पावर है इंटरनेशनल रिलेशन को ध्यान में रखते हुए उसको टैप नहीं कर पा रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है हमारी कंट्री में जो मूवीज आती हैं हम लोग उनको सपोर्ट नहीं करते हैं जिस स्केल पर हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। आर्टिकल जो स्टार्ट किया गया रविशंकर प्रसाद जी का नाम लेते हुए स्टार्ट किया गया, जब हमारी कंट्री में बोला गया कि हमारी इकोनॉमी जो है वो स्लो चल रही है, तो रविशंकर प्रसाद साहब के द्वारा बोला गया कि इकोनॉमी स्लो कहां से चल रही है, मूवीज तो अच्छा खासा कमा रही है, 100 करोड़ कमाकर निकल जाती है, तो कौन कहता है हमारी इकोनॉमी स्लो चल रही है। पर लेकिन जो मूवी कमा रही है वो अपने बेस पर ही कमा रही है, हमारी कंट्री में अगर देखा जाए गवर्नमेंट उसको ढंग से सपोर्ट नहीं करती है। इसके चलते अगर आप लोग देखें स्टार्टिंग में जो जीएसटी की 28 की स्लैब में इसको रखा गया था, बहुत ज्यादा यहां पर जद्दोजहद करने के बाद में तब जाकर इसको 18 की स्लैब में लाया गया जब इसको रिवाइज किया गया। जीएसटी के अंदर कितनी स्लैब होती हैं तो आप लोग याद रखिएगा, पहले 0 स्लैब होती है, फिर इसके बाद में 5, इसके बाद में 12, फिर आप लोगों को देखने को मिलेगी 18 और फिर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी 28। ठीक है ना, तो ये टोटल मिलाकर आप लोगों के सामने स्लैब निकल कर आती है। तो जो ये स्लैब है इनमें अलग अलग टैक्स लगाए जाते हैं हमारी कंट्री में, तो मूवीज को पहले 28 में रखा गया था, फिर लेकिन जब बहुत ज्यादा जद्दोजहद की गई तो 18 की कैटेगरी में इसको लाया गया। पर लेकिन 18 की कैटेगरी में भी इसको दो जगह डिवाइड आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक तो होता है स्टेट का जीएसटी और एक होता है सेंटर का जीएसटी। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी में अभी यहां पर तानाजी जो मूवी है उसको टैक्स फ्री किया गया स्टेट के अंदर, तो यानी कि ओनली 9% टैक्स फ्री यहां पर हुई है। अभी जो सीजीएसटी है यानी कि जो 9% सेंटर का है वो उस मूवी को देना ही देना पड़ेगा, वहां से टैक्स फ्री नहीं हुई है। तो सबसे बड़ी तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो कि हमारी कंट्री में मूवीज को सपोर्ट नहीं किया जाता है। और अगर कोई कल्चर और हिस्ट्री पे इस तरीके की मूवी आ रखी है वो तो और भी ज्यादा जनता तक पहुंचनी चाहिए, तो उसको तो पूरी कंट्री में वैसे ही टैक्स फ्री कर देना चाहिए। तो ये बात यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है राइटर के द्वारा। नेक्स्ट, अगर आप लोग यूएसए में जाएंगे तो इसके लिए प्रॉपर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है और यूएस की गवर्नमेंट
काफी लार्ज स्केल पर इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। सपोर्ट तो सपोर्ट, कई बार इंसेंटिव भी देती है कि आप लोग इस तरीके से काम कीजिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। पर लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। कई बार आप लोगों को देखने को नजर आएगा कि हमारी कंट्री में ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी है रहते, और कई बार कई सारे जो एक्टर्स होते हैं वो भी एक तरीके से उनको ऐसा माहौल नहीं मिल पाता है कि वो इंडिया में चीजों को सूट कर सके। इसलिए बाहर कई बार कई सारी चीजें जो इंडिया में सूट की जा सकती है उनको सूट करने के लिए भी वो बाहर चले जाते हैं। तो रीजन क्या है, इससे हमारी कंट्री को नुकसान होता है, क्योंकि अगर कहीं पर ये जाकर सूट करते हैं तो उसके लिए पे करते हैं, उसके चलते हमारी कंट्री एक तरीके से हमारी कंट्री का पैसा बाहर जा रहा है, जो कि हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो हमारी इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं इसकी वजह से नुकसान पहुंच रहा है। इसी के साथ में अगर इंसेंटिव की बात की जाए, यूएसए के अंदर बहुत सारे इंसेंटिव दिए जाते हैं फिल्म को बूस्ट करने के लिए, पर हमारी कंट्री में क्या करता है, राज्य के ऊपर उसको छोड़ दिया जाता है, और राज्य में इतना ज्यादा उसके पास पैसा तो है नहीं कि वो इतने सारे स्टेप उठा सके। ऐसा ऐसा कोई इक्का दुक्का स्टेप निकल के आता है जिसमें तानाजी को यहां पर टैक्स फ्री कर दिया स्टेट के अंदर। तो इस तरह कुछ देखने को मिल जाता है, लार्ज स्केल पर चीजें देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि जो फिल्म इंडस्ट्री है वो और ज्यादा सपोर्ट डिजर्व करती है, जो कि नहीं देखने को मिलता है। तभी हमारी कंट्री में एक तरीके से जिस तरीके से देखिए जो चीज बढ़ सकती है अगर उसको बढ़ाकर हम लोग आगे लेकर चलेंगे तो हमारी कंट्री की एज ए सॉफ्ट पावर भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, कोई भी अगर मूवी आती है उसमें हमारी कंट्री की कल्चर भी दिखाई जाती है कई बार, ठीक है। जैसे बाहुबली मूवी देख लीजिए, शानदार तरीके से हमारी जो कल्चर है उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। तानाजी में भी चीजें की हिस्ट्री दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके चलते हम लोग अगर चीजों को आगे लेकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं दुनिया को हमारी कल्चर भी यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर चल सकते हैं। तो सॉफ्ट पावर के इस पिलर को हम लोग को पीछे छोड़कर नहीं चलना है, ये सजेशन यहां पर राइटर दे रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट और काफी प्यारा आर्टिकल डिस्कस करने जा रहा हूं, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, बात की जा रही है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, दल बदल कानून जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं। दल बदल कानून के बारे में अभी यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन आया, डिसीजन के एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो स्पीकर की पावर है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। तो इसमें सबसे पहले तो आप लोग ये क्वेश्चन देखिए तब आप लोग समझ पाएंगे। बोला जा रहा है कि आप लोगों को यहां पर जो प्रोविजन है एंटी डिफेक्शन लॉ के उनको आप लोगों को एग्जामिन करना है, उनको आप लोगों को देखना है कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो फेल हो गया है अपना जो कार्यक्रम था उसको मीट करने के लिए जिसके लिए बनाया गया था पास्ट में, अगर आप लोग इसके रिजल्ट देखेंगे तो इसके आप लोगों को इसके ऊपर डिस्कस करना है, ठीक है। डिस्कस क्या करना है, जो जो आप लोगों को बताऊंगा वो सारी चीजें आप लोगों को बेसिकली आंसर के अंदर लिखनी है। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता है आप लोग खुद भी सर्च कीजिए अपने एंड पर, तो वो भी आप लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं यहां पर बताता हूं वही आप लोगों को आंसर में लिखना है, अपना खुद का माइंड भी अप्लाई करना है आप लोगों को आंसर लिखने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पर जो बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एंड करने की बात की गई स्पीकर की जो फ्रीडम है वो डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, जिसमें स्पीकर क्या करता है कई बार रुक जाता है कि डिसीजन ही नहीं लाए, यानी कि ये आप लोग लाइन याद रखेगा, डिसीजन न लेना भी एक डिसीजन बन जाता है आज की डेट में कई बार, जो कि बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। जिस तरीके से कांग्रेस की गवर्नमेंट के लिए बात बोली गई थी कि जो हमारी कंट्री में जो ब्यूरोक्रेसी है या फिर जो बैंकिंग सिस्टम है वो डिसीजन ही नहीं ले रहा है, यानी कि वो यहां पर अपना एक मान लिया कोई से लोन लेने आया, ठीक है, तो क्या किया उसकी उसका एप्लीकेशन पड़ा हुआ है ना, तो उसको रिजेक्ट किया और ना ही उसको अलाउ किया, तो क्या हो गया इससे हो गया कि बस पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो ना तो यहां पर युवा कल को अगर वो लोन गलत जगह चला गया कोई इनकी गर्दन पकड़ेगा आकर तो वो भी नहीं होगा, और आराम से कोई ऐसा टेंशन भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो वो सारी चीज एक तरीके से डिसीजन न लेना भी एक डिसीजन बनता हुआ जा रहा है। तो उसके चलते अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन का केस अगर आया है स्पीकर के सामने तो स्पीकर क्या करता है उस पर डिसीजन ही नहीं लेता है, उससे क्या होता है जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है उसको फायदा होता रहता है। तो इसकी वजह से जो स्पीकर की पावर है ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए नुकसान पहुंचा रही है। तो अभी पहले आप लोग इसको समझिए एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है। हमारी कंट्री में एक संविधान में संशोधन किया गया जिसको 52वां संशोधन आप लोग बोलते हैं 1985 में। यह संशोधन किया गया, इसके चलते 10th शेड्यूल इंसर्ट किया गया, 10th शेड्यूल हमारे जो संविधान में डाला गया जिसको हम लोगों ने एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से पुकारा। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून। दल बदल कानून के लिए यहां पर दो तरीके के आर्टिकल आप लोग याद रखने हैं। एक तो मेंशन किया गया यहां पर आर्टिकल 102 के 2 में, जो कि एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि हमारी संसद के लिए यानी कि सांसद के लिए है। दूसरा जो बोला गया यहां पर 1912 का, ये यहां पर एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो आप लोग विधायक जी होते हैं उनके लिए है, ठीक है। तो ये सांसद जी और जो विधायक जी हैं उनके लिए यहां पर एमपी और जिसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हम लोग बोलते हैं। ये करते क्या है, पहले तो आप लोगों के सामने गिड़गिड़ाएंगे कि भैया हम लोग को वोट दे दो वोट दे दो, उस तरीके से आप लोगों के सामने पता नहीं क्या क्या मतलब नंगा करने के लिए तैयार रहते हैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या रहता है, जैसे ही आप लोगों ने वोट दी उसके बाद में इनके बदन पर सारे कपड़े आ जाते हैं, सर पर टोपी आ जाती है, पैरों में जूते आ जाते हैं, हाथों में ग्लव्स आ जाते हैं और एक अच्छी गाड़ी आ जाती है। तो उसके चलते फिर ये भूल जाते हैं कि वोट किससे मांगी है। तो उसके चलते बस इनको दिखता है कि हमारा प्रॉफिट कहां से निकल कर आना है।
तो ये क्या करते हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी में इनको प्रॉफिट दिखता है उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ को चल देते हैं। तो यही चीजें देखते हैं हमारी कंट्री में, जो जो गवर्नमेंट चुनकर जनता के द्वारा आई तो उसमें जनता का पैसा लगा, क्योंकि इलेक्शन होने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो हम जो टैक्स पे करते हैं वो मनी से इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। अब यहां पर वो इलेक्शन कंडक्ट कराने के बाद में पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक दल बदल कानून, जो दल बदल कानून नहीं था उसके चलते कभी एक मेंबर इसमें जाकर उसमें मिल गया, कभी उसमें मिल गया। तो इस तरीके से क्या होता, कोई मेजोरिटी में गवर्नमेंट ढंग से नहीं बन पाती थी। तो यहां पर इसकी वजह से कई बार फिर से इलेक्शन करवाने पड़ जाते थे और कई बार बहुत लंबे समय तक यहां पर रस्साकसी चलती रहती थी। तो इसी को रोकने के लिए ये 1985 में राजीव गांधी जी के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ में किसको डिस्क्वालीफाई करने की बात की गई, अगर कोई इंडिपेंडेंट पार्टी, यानी कि अगर मान लीजिए आज की डेट में मैं इलेक्शन लड़ता हूं, ठीक है, मैं इलेक्शन लड़ू और इंडिपेंडेंटली मैं इलेक्शन लड़ू यहां पर, और मैं बाद में क्या करूं, बाद में देखो यार इंडिपेंडेंटली ना तो मुझे कोई मिनिस्ट्री की पोस्ट मिलेगी ना कुछ, मुझे मैं लालच आ जाए और मैं बोलूं कि चल के यार आज किसी पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद में उसको फायदा भी होगा और हो सकता है मुझे भी कुछ मिल जाए। तो इस तरीके से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बहुत सारे लड़ते हैं और बाद में पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे रिजल्ट वो चेंज हो जाता है। तो कई बार ये कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि वहां पर जाकर ज्वाइन करेंगे जहां पर प्रॉफिट होगा, वहां पर नहीं जहां पर देश का फायदा होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन काफी खराब क्रिएट यहां पर कर देते हैं, ठीक है। तो मेरी इमेज ऐसी मत बनाना, अगर कभी इलेक्शन लड़ूंगा तो मैं जहां से लड़ूंगा वही रहूंगा, और इसी के साथ में अगर कभी ऐसा हुआ तो जिस पर्पज के लिए काम करूंगा उस पर्पज पर टिका रहूंगा, ठीक है। तो मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो देखिए, तो इससे क्या होता है, ट्रस्ट टूटता है, उन्हीं लोगों का ट्रस्ट आप लोग तोड़ रहे हैं जिन लोगों की वजह से आप लोग यहां पर बैठे हैं। तो ये सबसे बुरी कंडीशन होती है। नेक्स्ट यहां पर बात की जाती है नॉमिनेटेड कैंडिडेट के लिए। नॉमिनेटेड कैंडिडेट के बारे में भी ऐसे ही किया जाता है, क्या करते हैं वे पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं आफ्टर 6 मंथ, ठीक है, नॉमिनेशन के, तो उनको भी यहां पर डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ उनके हाथ में पावर होती है कि वो 6 मंथ तक ही यहां पर क्या रह सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, उनको रीइलेक्ट होकर आना पड़ता है यहां पर। जैसे कि कई बार ऐसा होता है, मतलब राज्यसभा से उनको बैकडोर एंट्री दी जाती है, या फिर आप लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर बात कीजिए स्टेट के अंदर में, तो वो एक फंडा यहां पर देखने को मिलता है। तीसरा जो बात है यहां पर, जो अगर मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बोला गया है यहां पर मेंबर के द्वारा, तो उसके चलते भी यहां पर ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहां पर सॉरी, ये वाला पॉइंट जो बोल रहा हूं, अगर पॉलिटिकल पार्टी ने बोला है कि कल को आप लोगों को आकर यहां पर वोट डालनी है और आप लोग नहीं आ रहे हैं, और या फिर वोट से एब्सटेन होना है, यहां पर आप लोगों को नहीं आना है और वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर वो जीत कराए और पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो इसके चलते भी यहां पर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और कई बार जो मेंबर हैं वो अपने आप ही वॉलंटरी छोड़ देते हैं कि हम लोग को नहीं चाहिए आप लोगों की सीट, और इस तरीके से ये काम चलता है। तो अगर ये 4 मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलते हैं तो यहां पर डिस्क्वालीफाई किया जाता है। अगर यहां पर एक्सेप्शन किसके लिए, वो है स्पीकर के लिए और चेयरमैन के लिए। तो स्पीकर जो होता है वो लोकसभा में और चेयरमैन राज्यसभा में, स्पीकर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में और चेयरमैन होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, स्टेट के अंदर और सेंटर के अंदर, दोनों बात बता दी। अब ये क्या होता है, अगर यहां पर इस जो स्पीकर है उसके ऊपर चेयरमैन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि इसको एक न्यूट्रल पोस्ट मानी जाती है। जब कोई स्पीकर या चेयरमैन की पोस्ट के लिए यहां पर ये इलेक्ट हो जाता है तो उसको ये माना जाता है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, हालांकि ये बोलने के लिए है, एक्चुअल में वो लास्ट तक अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जवाबदेह रहता है कहीं ना कहीं। इसी के साथ में अगर 2/3 लोग टूटकर जाते हैं तो उसके ऊपर भी ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। 2/3 का मतलब क्या है, मान लीजिए 15 मेंबर की कोई पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी, और इसमें से 2/3 चले गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर टोटल मिलाकर 10 मेंबर जो हैं वो यहां से निकलकर चले गए, ओनली 5 मेंबर रह गए। तो सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि पॉलिटिकल पार्टी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है जब इतने मेंबर टूटकर यहां पर जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा रीजन माना गया कि अगर ज्यादा मेंबर टूटकर जा रहे हैं तो फिर देखिए उसको आप लोग एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर नहीं लेकर आएंगे। पर लेकिन किसको डिस्क्वालीफाई करना है और किसको डिस्क्वालीफाई नहीं करना है ये कौन डिसाइड करता है, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो डिसाइड करता है क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, और इसी के बारे में यहां पर ये आर्टिकल है, यानी कि किसको डिस्क्वालीफाई करना है किसको डिस्क्वालीफाई नहीं करना है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हाथ में पावर होती है, यही सबसे खतरनाक गेम क्रिएट कर रही है। अब वो कैसे, इसको आप लोग समझिए। कंडीशन यहां पर ये है कि दो, अभी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 डायरेक्शन को यहां पर देखा गया और उनका जो डिसीजन आया, स्पीकर की जो पावर है उसको लेकर एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात की गई, उसमें क्या क्या है पहले आप लोग ये समझिए। फर्स्ट में तो यहां पर यह बोला गया कि पार्लियामेंट जो है उसको रिप्लेस कर देना चाहिए, जो स्पीकर को पावर दे रखी है कि वो यहां पर डिसीजन लेगा कि डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है। तो किसको दे देनी चाहिए पावर, किसी परमानेंट ट्रिब्यूनल या तो कोई ट्रिब्यूनल यानी कि कोर्ट टाइप में कोई एक बॉडी आप लोगों को बना देनी चाहिए छोटी सी, ये डिसाइड करेगी, या फिर कोई एक्सटर्नल मैकेनिज्म आप लोगों को बनानी चाहिए जो कि ये डिसीजन ले कि मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है या डिस्क्वालीफाई नहीं करना है। यहां पर स्पीकर पावर नहीं रहेगी, स्पीकर की पावर, ठीक है।
पहली तो बात यह है। दूसरी बात क्या बोली गई है यहां पर, जो फ्रेमवर्क है अगर आप लोग इसी को रख रहे हैं, दूसरा केस है यहां पर, ठीक है। पहला केस ये था, फिर दूसरा केस यहां पर ये है, ये 2016 का केस है। इसमें ये बोला गया था कि जो पावर है स्पीकर में, कि जो स्पीकर काफी लंबे समय तक डिसीजन ही नहीं लेता है और पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होता रहता है उसका, तो उसको यहां पर फिक्स कर देना चाहिए कि हाँ इस टाइम में आप लोगों को इसका डिसीजन देना ही देना पड़ेगा। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो यहां पर एक तरीके से सपोर्ट बना रहता है रूलिंग पार्टी के लिए, कि कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी को फायदा पहुंचाता रहता है, तो इसके चलते उसका टाइम फ्रेमवर्क कर देना चाहिए बिल्कुल फिक्स कि हाँ इससे आगे आप लोग नहीं जाएंगे। देखिए अगर आप लोग यहां पर कंफ्यूज मत होना, अगर बात करेंगे यहां पर बिल के बारे में, जैसे मनी बिल, तो मनी बिल को मनी बिल डिक्लेयर करने की पावर किसके हाथ में होती है, वो होती है स्पीकर के हाथ में। तो स्पीकर के हाथ में होती है आर्टिकल 1110, ठीक है ना। तो 110 आर्टिकल के तहत यहां पर कोई इसको ये नहीं बोल सकता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, और इसको कोई रिव्यू भी नहीं कर सकता है। ये पुल पावर यहां पर किसकी है, ये स्पीकर की है। पर लेकिन अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करें, तो यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर, यहां पर जो आती है जुडिशियल रिव्यू की बात की जाती है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू होता है कि जब कोई डिसीजन आ जाता है तो जुडिशियरी उसको देखे क्या ये संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, अगर सही है तो उसको आगे बढ़ाए, और अगर सही नहीं है तो उसको वहीं पर ही रोक दे। जैसे कि जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये एक बॉडी बनाई गई थी कि जज की अपॉइंटमेंट की जाएगी, और इसके चलते जो जज है उसको यहां पर सेंटर के भी लोग रहेंगे इसमें यहां पर, और कोर्ट के भी, तो ये मिलकर रहेगा, तो 50-50% की पावर दे दी गई थी। तो यहां पर जुडिशियरी ने क्या किया, बोला है संविधान के खिलाफ है यहां पर, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर पहली बात, और इसी के साथ में आप लोग हमको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके चलते यहां पर ये इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का हनन है संविधान का। तो ये बात यहां पर बोली गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इसको अप्लाई करने से मना कर दिया गया, ठीक है। तो ये काफी पुरानी बात हो गई। तो इसके चलते यहां पर ये अगर जुडिशियल रिव्यू किया जाता है, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कैसे चेक करना है। तो कुछ स्टेट जो है आप लोगों, वो मास डिफेक्शन के लिए भी यहां पर जाने जाते हैं, खासकर आफ्टर इलेक्शन, तो वो काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, काफी डिफेक्शन होते हैं किसी ने किसी तरीके से अपना फायदा पहुंचाने के लिए। तो इसके चलते अभी क्या बात बोली जा रही है, रेफरेंस दिया जा रहा है यहां पर एक केस का, ठीक है। तो यहां पर एस ए संपत कुमार, यह है काल यदहे, इनका केस का नाम यहां पर बोला जा रहा है। तो इसमें क्या बोला गया, एक जजमेंट था लैंडमार्क जिसको फॉलो किया गया था, यह यहां पर यह कही तो होलन हो, ठीक है। तो यह होलन है, ठीक है। तो 1992 का यह केस था, इसमें यह बोला गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जो वैलिडिटी है उसको वैलिड करार दिया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 10 शेड्यूल, और स्पीकर का जो बेसिकली पावर होती है उसको जुडिशियल रिव्यू के अंदर रखा गया, पर लेकिन लिमिटेड ग्राउंड पर। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये, अगर स्पीकर कोई पावर डिसीजन लेता है तो उसको जुडिशियल रिव्यू उसका किया जा सकता है। कोर्ट के द्वारा फिर क्लियर ये किया गया कि देखिए तब तक यहां पर स्पीकर, अगर ये समझिएगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मान लीजिए किसी को डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर स्पीकर ने डिसीजन लेना है कि यहां पर इसको क्वालिफाई करना है, डिस्क्वालीफाई करना है, तो अगर स्पीकर डिसीजन नहीं लेगा तो तब तक यहां पर कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही स्पीकर डिसीजन लेगा तो कोर्ट पिक्चर में आ जाएगा उसको रिव्यू करने के लिए। यानी कि उससे पहले डिसीजन लेने से पहले जो महाभारत चल रहा है उसमें कोर्ट इंटरफियर नहीं करेगा, महाभारत के बाद कोर्ट आएगा। यह बिल्कुल ऐसी है जैसे कैग भी बोलते हैं ना आप लोग, कैग जिसको आप लोग देखते हैं, कैग में जो ऑफिस रहता है, अगर गवर्नमेंट खर्च कर रही है उसमें यह कुछ नहीं कर सकता है, खर्च करने के बाद में इसको रिव्यू करने के लिए आएगा कैग। तो वही पावर यहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया पास्ट में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मैं बातों में आप लोगों को बताते रहता हूं, तो इसलिए बोलता हूं थोड़ा ध्यान से सुना कीजिए। आर्टिकल थोड़ा लेंथी हो रहा है, पर लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। स्पीकर के बारे में ये बात की जा रही है। इसी के साथ में अगर बात करें, बहुत सारी पेंडिंग जो कंप्लेंट पड़ी रहती है स्पीकर के सामने, उनको डिसाइड नहीं करता है। पर लेकिन अभी रिसेंटली यहां पर बोला गया एक पर्टिकुलर केस में, जिसमें जस्टिस एफ एम ये है नरीमन के द्वारा बोला गया मणिपुर के चलते, कि 3 महीने के अंदर अंदर आप लोग यहां पर केस को सुलझाना है। यानी कि उनको टाइम दे दिया गया यहां पर कि 3 मंथ का लिमिटेशन आप लोगों के पास में है। तो दूसरी बात यहां पर ये बोल रहे हैं कि जो लिमिटेशन यहां पर टाइम की होनी चाहिए वो डिक्लेयर कर देनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट केस की बात यहां पर की जा रही है, यह राजेंद्र राणा 2007 का केस। इसमें क्या बोला गया, कई बार स्पीकर ऐसे होते हैं वो ये बोलते हैं कि मुझे पता ही नहीं है, मुझे डिसीजन लेना ही नहीं है, ठीक है। यानी कि एक तो ये होता है कि डिसीजन एक तो प्रॉपर वे में नहीं लेना है इसको, बिल्कुल ये उन्होंने एक तो कहा था कि मैंने मान लिया कि हाँ मैंने डिसीजन लेना ही नहीं है, एक होता है कि हाँ हम लोग डिसीजन ले रहे हैं अभी रुक जाइए, दोनों में डिफरेंस है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोगों ने मूवी नहीं देखी होगी जो पीके मूवी आती है, अच्छा क्या बोलते हैं, अच्छा तो नहीं है कि कई सारे वो शब्द बोल के दिखाता है, शब्द रहता है आई थिंक, कौन सा मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें बोलता है वो कई सारे शब्द कि हमें यही नहीं पता चलता कि ये बोल क्या रहे हैं, क्योंकि मतलब एक ही रहता है और अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ में उसको बोला जाता है।
तो वो वही बात यहां पर देखने को मिल रही है। तो यहां पर जो डिसीजन नहीं लेने से पहले का डिसीजन तो ये है कि हम अभी लेंगे भैया, ऐसा नहीं है कि हमने लिया नहीं है। दूसरा ये है कि उसने बोल दिया कि भैया हमसे लिया नहीं जा रहा है। तो इस तरीके की कंडीशन में जब फेल हो जाते हैं डिसीजन लेने में, तो उस टाइम पर यहां पर जो कोर्ट आता है वो यहां पर पिक्चर में आएगा और फिर वो डिसीजन लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, क्योंकि यहां पर क्या रहता है, जब वो फेल हो गया है तो अब तो यहां पर कोर्ट को आना पड़ेगा। तो इस तरीके से कोर्ट के लिए एक जुडिशियल इंटरवेंशन के लिए विंडो ओपन की जाती है जब स्पीकर रिफ्यूज कर देते हैं एक्ट करने के लिए। तो इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि चीजों को ढंग से हैंडल करके चला जाए ताकि इसके लिए कुछ अच्छा सा रिजल्ट निकल कर आए। इसके चलते एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, यह है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बारे में जब आप लोग बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर एक पावर होती है कि मिनिमम 5 जज की अगर बेंच बनानी है तो वो बनाई जाएगी। और आर्टिकल 145 का 3 जो पार्ट है, इसमें यहां पर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में पावर होती है। कौन है आज के में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहां पर ये बात की जा रही है कि एक तरीके से अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई मैटर आता है इंटरप्रिटेशन का, तो यहां पर संवैधानिक बेंच बनाई जाएगी। एक तो ये मैटर, दूसरा अगर प्रेसिडेंट कोई सलाह लेता है आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से, तो वहां पर भी यहां पर इनको सलाह देने के लिए यहां पर ये बेसिकली तैयार रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी बेंच बनाई जा सकती है। तो ये यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में यहां पर ये पावर होती है, इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को ये कॉन्स्टिट्यूट। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि प्रीलिम्स के लिए भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के लिए। वो क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा जो आप लोगों से पूछा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर बात कर रहा है एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन में यहां पर एक रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा है जिसको आप लोग एसर के नाम से जानते हैं। इसको एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2019 अभी पब्लिश की गई है, और इसको एक एनजीओ है जिसका नाम है प्रथम एनजीओ, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। अच्छा क्वेश्चन आप लोग चलिए थोड़ा सर्च कीजिएगा इसके बारे में, होमवर्क आप भी कर लीजिए। प्रथम एनजीओ जो है वो कब फाइंड किस कब बनाई गई थी और किसके द्वारा बनाई गई थी, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। अगर आप लोग लंबे समय से सुन रहे हैं तो इसके बारे में मैं कई बार जिक्र भी कर चुका हूं, और पीआईबी वाली वीडियो में मैंने एक बार इसके बारे में जिक्र किया था। तो यहां पर ये चीजें आप लोग रिवाइज जरूर करते रहिए। ठीक है, सारी चीजें पॉसिबल नहीं है कि मैं ही रिवाइज करा पाऊं। हां ये है कि लगभग आप लोगों का 50% के करीब तो रिवीजन होता रहता है, जैसे रिपीटेडली आर्टिकल आते रहते हैं। जैसे कि ये आर्टिकल भी पहले इसके बारे में कुछ बातें डिस्कस कर चुका हूं, फिर से आर्टिकल आ गया, पर लेकिन कुछ चीजें आप लोग खुद भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा, फिर अगर थोड़ा सा भी आप लोग हिम्मत करके चलेंगे। तो बात जो की जा रही है यहां पर, और हाँ जो कल मैंने वीडियो बनाई थी रिसोर्सेज के बारे में, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था ईपीएफओ के लिए जो रिसोर्सेज हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वहां पर न्यूज़पेपर आप लोगों के लिए कई हद तक आप लोगों की वोकैबुलरी तैयार कराएगा, आप लोगों के लिए एक एनालिटिकल थिंकिंग आप लोगों की तैयार होगी जो कि इंटरव्यू में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। सोशल इश्यू के लिए खासकर पॉलिटिका जो अभी हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किया, ये भी सारी चीजें आप लोग देखते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह, इसी के साथ में इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो बहुत बड़ा जो सेक्शन है आप लोगों का ये तैयार कर देता है न्यूज़पेपर, तो इसलिए न्यूज़पेपर जरूर फॉलो कीजिए आप लोग। ठीक है, चाहे किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पर बात की जा रही है। और ऐसे नहीं कि हिंदू ही फॉलो करना है, अगर आप लोगों को कोई दूसरा न्यूज़पेपर अच्छा लगता है तो आप लोग वो भी फॉलो कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, पर हाँ एक न्यूज़पेपर जरूर फॉलो कीजिए। आगे बात की जा रही है फाइंडिंग्स के बारे में। तो यहां पर अगर बात की जाए ये एनुअल स्टेटस रिपोर्ट के बारे में, तो इसकी जो फाइंडिंग्स है वो यहां पर ये बताती है कि अगर बात करें परसेंटेज ऑफ गर्ल जो गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल, रीजन क्या है, रीजन ये है यहां पर सीधा सीधा कि लड़कियों के ऊपर जो पेरेंट्स हैं वो पैसा ज्यादा खर्च नहीं करते हैं और लड़कों के ऊपर ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं, तो इसलिए लड़कों को तो यहां पर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं और उसके ऊपर पैसा अच्छे से खर्च करते हैं क्योंकि वो आने वाले परिवार का भविष्य है, ये माना जाता है। पर लेकिन लड़कियों को ये माना जाता है कि वो प्रायः धन है, ज्यादा पैसा खर्च करके क्या किया जाएगा, फिर भी दूसरे के घर जाएगी, ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये जो मां बाप यहां पर ऐसी हरकतें करते हैं ये सही तरीका यहां पर नहीं है। ठीक है, एक तरीके से स्टार्टिंग से ही जो बच्चे हैं उनको कमजोर कर दिया जाता है, और हालांकि सब पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी मैंने देखे हैं वो लड़कों को कम प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू अपनी लड़कियों को ज्यादा देते हैं, तो ऐसी भी चीजें हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों में यहां पर पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को कम से कम उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से एक ऐसे स्कूल में भेजना चाहिए जहां पर वो अच्छे से पढ़ सकें। तो गवर्नमेंट स्कूल में प्रॉब्लम क्या रहती है, यहां पर जो टीचर हैं उनकी क्वालिटी तो अच्छी रहती है कई बार प्राइवेट स्कूल के कंपेयर में, पर लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं हो पाता है जो कि ये रिपोर्ट बताती है। यहां पर कॉग्निटिव स्किल के बारे में अगर बात करें, जिनको आप लोग ज्ञानात्मक कौशल आप लोग बोल सकते हैं इनको, ये आप लोग समझिए कॉग्निटिव स्किल को अगर बोले तो उनकी मेमोरी फॉर्मेशन कैसे कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, लॉजिकल और रीजनिंगली कैसे वो काम कर रहे हैं, उनकी किस तरीके से मोबिलिटी हो रही है माइंड को लेकर, किस तरीके से परसेप्शन वो लगाए पर हैं और कितना अटेंशन है उनकी, ये सारी चीजें अगर उनको ढंग से हम लोग गाइड करेंगे तभी उनके माइंड में जा पाएगी। तो इसके चलते हम लोगों को फोकस देकर चलना चाहिए। कॉग्निटिव स्किल जो है गवर्नमेंट स्कूल में खासकर वो मैच ही नहीं कर पाती है अगर प्राइवेट स्कूल के साथ में हम लोग कंपेयर करें तो, वहां पर ज्यादा बच्चे आप लोगों को चीजों में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते हैं। मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो 12th तक मेरी गवर्नमेंट स्कूल में हुई है, तो गवर्नमेंट स्कूल में हुई है
फीस भी लगभग इतनी रहती थी कि आज की डेट में सुनकर भी आप लोग हंस जाएंगे, ऐसी ऐसी फीस हमारी जाती थी लगभग 50 रुपए करीब, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो आज की डेट में हालांकि देखिए, ये तो मैं मानता हूं कि अगर आप लोग किसी गवर्नमेंट स्कूल से निकल कर आते हैं और फिर एक कॉम्पिटिशन में आप लोग आते हैं किसी के सामने, ये मैं खुद अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत आप लोगों को करनी पड़ती है। जब भी मैं किसी चीज को पढ़ने बैठता था तो मेरे साथ में अगर कोई बच्चा बैठा हुआ है किसी दूसरे स्कूल का, प्राइवेट स्कूल का, या फिर उसने कहीं पर कोचिंग वगैरह वो सारी चीजें रखी है, तो मुझे उसके कंपेयर में डबल मेहनत नहीं पड़ती थी। ये मैंने अपनी लाइफ टाइम अब तक जब यहां तक पहुंचा हूं मैंने ये फील किया, ये आप लोगों को डबल मेहनत करनी पड़ेगी। पर हां, एक बात बोलता हूं, अगर आप लोगों के अंदर जज्बा है, कैपेबिलिटी है करने के लिए, तो आप लोग हर एक सिचुएशन को हैंडल करना समझ जाएंगे। इस तरीके की कंडीशन आप लोगों के सामने आती है तो यही है कि अगर आप लोगों के सामने प्रॉब्लम आ रही है तो उसको खुश होकर आप लोग उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए जिंदगी जीने में कितना मजा आता है। तो यही बात मैं आप लोगों के साथ में बेसिकली शेयर करना चाहता हूं कि भले ही गवर्नमेंट से हो तो थोड़ा सा मेहनत आप लोगों को ज्यादा करनी है, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपटीशन में आप लोग कोई हरा पाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कैपेबल नहीं है कुछ करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों के अंदर कोई कमी है। तो आप लोग अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं सारी चीजें मिल रही हैं, उनको भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि आप लोगों के पास में सारी चीजें, उनको भी अपनी मेहनत करती रहनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों के लिए अच्छी चीजें हैं कि आप लोग अपने अपना चीजें हैं उसको अच्छे से लेकर चलिए, जो भी रिसोर्सेज हैं उसको फुल यूटिलाइज कीजिए, और एक पेरेंट्स होते हैं हमेशा कोशिश करते हैं कि बच्चे जो हैं हमेशा अच्छे स्कूल में ही जाएं, ठीक है, जहां तक उनकी जो भी एक तरीके से हिम्मत होती है उसको जितना चाह कर सकते हैं उतना कर पाते हैं। कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं सोचता कि उसका बच्चा कहीं पर गलत जगह पर रुका रहे, ठीक है। अगर बात की जाए यहां पर जो एक बुरी बात देखने को मिलती है, कई बार जो अगर देखेंगे जो फॉर्मल स्कूलिंग की बात की जा रही है, एज से रिलेटेड यहां पर मैटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई बार कई सारी जो एज जो बच्चों की एज रहती है, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में भेज दिया जाता है, तो वो भी एक तरीके से वॉयलेशन जो बोला जाता है यहां पर कि हाँ इतने बच्चे मिनिमम होने चाहिए जितना कि आप जब मैं था छोटे क्लास में, एक्चुअली जो पापा थे वो तो थे आर्मी में, तो पहले कहीं और चले गए फिर कहीं और चले गए, तो जो स्कूल की जो चेंजिंग होती रहती थी तो उसकी वजह से फिर एक जगह से दूसरी जगह पर आते था तो फिर छोटे क्लास में डाल दिया जाता था। तो इसकी वजह से स्टार्टिंग में तो 10th या 9th तक तो लगभग ऐसा रहा कि मैं क्लास में सबसे बड़ा था, ठीक है, जबकि शर्म भी आती थी कई बार, तो रीजन ऐसा ही रहता था। फिर 10th के बाद में जब यहाँ पर कंडीशन ये चलती रही तो इसी के चलते जब 10th में मैं आया तो उसके बाद में फिर मुझे लगा कि हाँ अब सही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ पर फेल रहते थे, बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, मतलब उन्हें था कि 10th में बोर्ड के एग्जाम होते हैं, तो वहाँ पर जो वहाँ पर काफ़ी मतलब वहाँ पर जाकर फिर मुझे अच्छे लगने लगा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे धुरंधर पड़े होते कई कई सालों के, ठीक है। तो ये भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, एक स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में जब आप लोग जाते हैं तो ये सिचुएशन काफ़ी निकल कर आती है कि फिर दूसरे स्कूल में जाते हैं, मान लीजिए यहाँ से LKG UKG पास कर कर पहुँचे, आगे फिर से आगे चल के LKG में डाल दिया, लाकर फर्स्ट तक पहुँचे फिर से LKG में डाल दिया, तो कई बार ऐसे हुई है। तो उससे क्या हो गया, मेरा तैयार हो गया, यानी कि मैं एक स्ट्रॉन्ग बच्चा बन गया, भले ही थोड़ा ज्यादा मतलब वो हो गया कि हाँ सबसे बड़ा दिखता था क्लास में, पर लेकिन उसका फायदा भी है, मॉनिटर भी बनता था फिर तो हर एक चीज के देखिए फायदे, तो पॉजिटिव माइंड रखेंगे ना तो सब चीजों के आप लोगों के फायदे भी नजर आ जाएंगे। तो ये भी एक फिर वहां से लीडरशिप की क्वालिटी आना स्टार्ट होगी। कई बार ऐसा होता था टीचर स्कूल में नहीं रहता था तो बोलता था कि यार तुम करा देना इन चीजों को, मतलब एक वो नहीं रहता कि एक अच्छे लेवल की चीजें स्टार्ट होनी स्टार्ट होगी। अगर मैं लेता था मैं उसको लेकर डिप्रेशन में भी जा सकता था कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब यहां पर मैं सबसे बड़ा हूं, अब तक मैं यहां पर क्या कर रहा हूं और वो रही है, तो मैंने चीजों को एंजॉय किया और चीजें आगे आसानी से चलती रही, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, हालांकि ज्यादा मजाक हो गई, आगे चलते हैं। आगे जब बात करते हैं यहां पर, तो कहने का मतलब पॉजिटिव माइंड रखो, बस ये मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। आगे जब बात करते हैं तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि देखिए बच्चों को काफी ज्यादा फायदा मिलता है कॉग्निटिव स्किल का, अगर ढंग से उनको मिल पाती है ऐसा एनवायरमेंट मिल पाता है, पर लेकिन नॉर्मली गवर्नमेंट स्कूल में ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलती है, जिसका बच्चों को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसा रिपोर्ट का जो डाटा है, जो डेटा है इसके द्वारा 26 जो इंडियन डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर इनके द्वारा बोला गया, यहां पर जब एनालिसिस किया गया कि स्टेट की जो पॉलिटिक्स है वो भी बहुत रोल प्ले करती है, बहुत सारे स्कूल में डिफरेंट आप लोगों को नजर आएगा, इंबैलेंस है, स्पष्ट तरीके से चीजें नहीं है। अगर आप लोग अलग अलग राज्य के अंदर जाएंगे, यूपी बोर्ड में अलग चीजें देखने को मिलेगी, बिहार बोर्ड में अलग, तमिलनाडु बोर्ड में अलग देखने को मिलेगी, केरला बोर्ड में अलग, तो कहीं ना कहीं राज्य गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है एजुकेशन जो सिस्टम की, अगर आप लोग बात करते हैं जो यहां पर राज्य के अंदर की बात की जाए तो स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉलो करके चलेगी। तो इसी के चलते जो स्टेट के बोर्ड है वहां पर आप लोगों ने देखा कि स्पाइडरमैन वाली फोटो नहीं थी बिहार के अंदर कि वो चढ़ रहे हैं उसको पर्ची नकल पराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां से इनडायरेक्ट वे में उसके हेल्प कर रहे हैं, पर लेकिन डायरेक्ट वे में एक वो सॉरी इन डायरेक्ट वे में उसकी हेल्प कर रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में उसको पैरालाइज बना रहे हैं। यहां से तो तुम बोर्ड पास करा दोगे, आगे क्या होगा, तो वो नहीं सोच पाते हैं, तो उसके चलते यहां पर क्या रहता है, एक गलत डायरेक्शन में वहां पर बच्चे पड़ जाते हैं। जो पॉलिसीज हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, तो वो भी यहां पर गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप लोग बात करते हैं तो उसके बारे में अगर बात करें, यहां पर गवर्नमेंट स्कूल में जो 5 ईयर से यहां पर जो एज की बात की जा रही है बच्चों,
तो जिस तरीके से यहां पर एंट्री की जाती है वो गवर्नमेंट स्कूल में काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। क्वार्टर ऑफ बच्चे जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो उस एज में नहीं है जिस एज में वो वहां पर होने चाहिए थे, और 15% यहां पर प्राइवेट में देखने को मिलेंगे। यानी कि कई बार तो बिलो एज भी यहां पर बच्चों को डाल दिया जाता है, स्टार्टिंग में बैठा दिया जाता है स्कूल में ले जाकर, तो वो भी एक कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के साथ में डीप लुक देने की जरूरत है गवर्नमेंट को सब चीजों के लिए। एक तो अब तो फंडिंग की बात की जाती है, फंडिंग जो है देखिए हर एक चीज के लिए फंडिंग जरूरी है। अगर बच्चों को स्कूल आप लोगों को स्टार्ट करना है तो एक बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, बेंच वगैरह बैठने के लिए बोर्ड वगैरह चाहिए, टीचर की सैलरी देनी पड़ेगी आप लोगों को। इसी के साथ में वॉशरूम वाटर वगैरह की फैसिलिटी वहां पर होनी चाहिए, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड होना चाहिए, बुक्स वगैरह की भी आप लोगों को प्रोवाइड करानी पड़ेगी। अगर बच्चा जो है वो मार्जिनल सेक्शन से आता है, सोसाइटी के गरीब तबके के परिवार से आता है, तो ये काफी लार्ज स्केल पर रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने की जरूरत है। पर लेकिन लैक ऑफ रिसोर्सेज की भी काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलती है स्कूल में। आप लोगों ने अच्छा कितने ऐसे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं और कितने ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं। जो गवर्नमेंट से पढ़े हैं वो जी लिखना, जो प्राइवेट से पढ़े हैं वो पी लिखना। यहां पर कोई शर्माने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आप लोगों के अंदर अगर गवर्नमेंट से पढ़े हैं और आप लोग द हिंदू न्यूज पेपर सुन रहे हैं आज के डेट में, तो इसका मतलब यह है कि बहुत आप लोग चीजों को पार कर कर आ गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह कि आप लोगों ने बहुत हिम्मत करी है। प्राइवेट में जो पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने भी कम मेहनत करी है, आप लोग भी बहुत अच्छे से मेहनत करें। बस मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये रेशो आप लोग समझ पाएंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से निकल कर आते हैं पर उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, इवन स्कूल के लेवल पर भी वो चीजें देखने को नहीं मिलती है। टीचर ट्रेनिंग की बात की जाए तो टीचर ट्रेनिंग अगर अच्छी रहेगी तो बेटर आउटपुट निकल कर आएगा। ट्रेनिंग भी कई बार अच्छी रहती है पर लेकिन कई बार लापरवाही भी बहुत बड़ा रोल प्ले यहां पर करती है। तो इसी के चलते कई सारी बातें और भी बोली जा रही है। देखिए टीचर जो होना चाहिए उसमें खासकर फील होना चाहिए कि आप लोग टीचर में अच्छा सा इन्वेस्ट करें, ताकि अगर आंगनवाड़ी के लेवल पर भी आप लोग बच्चों को यहां पर तैयार कर रहे हैं तो उनके पास में स्किल हो, ताकि वो बच्चों को स्किल प्रोवाइड करा सके। और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की भी कोई चीज होती है जहां पर बैठकर बच्चे पढ़ सके, ठीक है। कई बार फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाती है। इसी के साथ में ह्यूमन रिसोर्स की बात की जा रही है। अगर किसी इंसान को आप लोग अच्छी एजुकेशन दे देंगे और अच्छी हेल्थ दे देंगे तो वो एक तरीके से ह्यूमन कैपिटल बन जाता है, फिर उसको आप लोग अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो बेसिक एप्टीट्यूड उसका कैसा है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ट्रेनिंग कैसी करा रही है वो रोल करता है, और उसका टेन्योर कैसा है। देखिए कई बार टीचर जो रहते हैं वो टेंपरेरी बेसिस पर उनको लगा दिया जाता है, तो वो क्या सोचते हैं कि मेहनत करके क्या कर लेंगे, आज यहां पर है कल कहीं और जाना पड़ेगा, तो एक तरीके से सिक्योरिटी की फील भी नहीं आ पाती है कई बार टीचर्स को, ये भी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। तो रीजन क्या है, रीजन फिर से गवर्नमेंट यहां पर निकल कर आती है, गवर्नमेंट यहां पर अच्छा रोल प्ले नहीं कर रही है एजुकेशन को लेकर। तो इसी के चलते जो पॉलिसीज है उनको ढंग से लेकर चलना चाहिए। ऐसा रिपोर्ट के द्वारा यह बोला गया है कि अगर बात करें सेकंड स्टैंडर्ड का जो बच्चा है जिसकी एज लगभग 7 ईयर हो चुकी है, वो बेसिक चीजें भी नहीं पढ़ पा रहा है, ये बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। और न्यूमरेसी जो स्किल यहां पर है, यानी कि अगर बात करें यहां पर जो मैथ से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको भी ढंग से नहीं समझ पा रहा है, उसमें भी ढंग से डिफरेंस नहीं कर पा रहा है कि यहां प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये सब चीजें भी नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को यहां पर एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, ये चीज आप लोग पता नहीं आप लोग इसको मानेंगे भी या नहीं मानेंगे। जब मैं अपना स्कूलिंग कर रहा था तो वहां पर सब चीजें हिंदी में हुआ करती थी, इंग्लिश भी हुआ करती थी, पर लेकिन इंग्लिश का एक अलग सब्जेक्ट होता था उसको पढ़ते थे, पर लेकिन मैक्सिमम चीजें जो थी वो हिंदी में हुआ करती थी। तो वहां पर जैसे कि आप लोग मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं तो उसको गुणा बोलते हैं, ठीक है, ये माइनस इसको घटा बोलते हैं, ये प्लस इसको जोड़ बोलते हैं, तो इस तरीके से इनको मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, इसको माइनस बोलते हैं, इसको प्लस बोलते हैं। ये भी चीजें जो थी जब आगे जाकर पता चली तो इन चीजों में भी प्रॉब्लम होती है इंसान को कि यार ये क्या है, ये तो नए नए शब्द निकल कर आ रहे हैं। यानी कि छोटी छोटी सी जो चीजें होती हैं वहां पर हमेशा गुणा घटा जोड़ भाग ये सारी चीजें बोलते हैं, डिवाइड को भाग बोलते हैं, डिविजन को, तो ये सारी चीजें भी ये छोटी छोटी चीजें वो नहीं कहते कि चप्पल ही नहीं मिल रही है। आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे मिल्खा सिंह मूवी आप लोगों ने देखी, दौड़ने के लिए बंदा खाली पैर दौड़ रहा है वो, ठीक है, उसके पास में जूते भी नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि उसके पास में स्किल नहीं है, उसके पास में जूते ही नहीं है कि स्पाइक उसको मिल सके जिसके बेस पर वो दौड़ सके, वही स्पाइक उसकी फिर जान बन जाते आगे चलकर। तो बेसिक स्किल अगर आप लोग बच्चों को प्रोवाइड करा दोगे स्टार्टिंग में ही तो फिर आगे चलकर उनको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो बड़ा ओड लगता है जब पता नहीं चलता है यहां पर टीचर ने बोला इनकी मल्टीप्लीकेशन कर दो, अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन जानते नहीं है, अब हम लोग यहां पर जोड़े घटाए या क्या करें वो समझ में नहीं आता है। तो ये अगर सिखाकर स्टार्टिंग से ही चलोगे तो फिर ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो कौन समझ पाता है वही समझ पाता है जो इस चीज से निकल कर आता है। तो ये सारी चीजें जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में सारी चीजें चल रही थी कि हाँ रियलिटी में ऐसी प्रॉब्लम फेस की जाती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है और बहुत कुछ करने के लिए बाकी है। तो इस तरीके से कई बार जो टीचर हैं प्राइवेट स्कूल में उनको पुअरली पे किया जाता है, पर लेकिन फिर भी वो मेहनत कर कर पढ़ाने की कोशिश करते हैं। खासकर अगर बात करें गवर्नमेंट में जो होता है वहां पर इतनी मेहनत नहीं होती है, ये आप लोगों को देखने को मिलता है। और इसमें टीचर की भी कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है कि उसकी भी गलती नहीं है, कई सारे अलग अलग काम में टीचर को लगा देते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो इसी तरीके से जो एजुकेशनल फाउंडेशन है यहां पर वीक है उसके ऊपर फोकस देकर चल रहे हैं, क्रिएटिव लर्निंग के ऊपर फोकस देकर चल रहे हैं। बच्चों को ऐसे नहीं बस किताब में बैठा के पढ़ा रहे हैं क्लास में, बस उनको अलग उनकी कैसी चीजें हो सकती है उसके ऊपर ही फोकस देकर चलना है। लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज को आप लोग कंप्लीट करना है, पर लेकिन ये तभी होगा जब गवर्नमेंट यानी कि पॉलिटिकल विल निकल कर आएगी, तभी एजुकेशन सुधरेगी। अकेला इंसान क्या कर लेगा, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। मैं क्या कर सकता हूं, देखिए मैं आप लोगों के लिए लेक्चर प्रोवाइड करा सकता हूं जितनी मेरे से हिम्मत होती है,
आंखों का चश्मा बढ़ता जा रहा है वो एक अलग बात है। तो कंडीशन क्या है, पिछले कुछ 6 महीनों में मेरा जो आंखों का चश्मा है वो डबल हो चुका है लैपटॉप के सामने बैठ बैठ का। पर लेकिन फिर भी मुझे लगता है कोई नहीं यार, ये सब चीजें चलती रहती है, अपना थोड़ा सा मतलब जहां तक होता है चीजें करने की कोशिश की जाती है। तो इससे क्या कंडीशन निकल के आती है कि मैं अकेला भी कहां तक कर पाऊंगा। अगर मैं बोलू यहां पर कि मैं अकेला सारी चीजें चेंज कर दूंगा तो ये तब तक नहीं होगा जब तक मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा आकर, ठीक है। यानी कि एक तरीके से जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं, आप लोग मेरे से पढ़ते किसी को जाकर आप लोग पढ़ा दो, तो इसका मतलब क्या है कि वो चीजें चेंज हो सकती है। तो यहां से एक साइकिल निकल कर आती है, आप लोग जितना मेरे से पढ़ते हो किसी को आप लोग पढ़ा दो, या फिर आप लोगों ने जो सीखा है वो किसी बच्चे को पढ़ा दो। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आप लोग अपना काम छोड़ के पढ़ाना है, वीक में आप लोग पढ़ा दो। अगर खुद नहीं पढ़ा सकते हो तो ये चीजें आप लोग शेयर कर दो, जहां से पढ़ रहे हो वीडियो को शेयर कर दो, इससे मुझे भी काफी सपोर्ट मिलेगी। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। पर लेकिन नहीं होती नहीं है वो चीजें फिर भी, क्योंकि बहुत कम स्केल पर लोग ऐसे हैं जो चीजों को ढंग से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है वो ये कि अपना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपना फायदा है तो चल रहा है सही है, दूसरे से क्या करना है, अपना फायदा होना चाहिए। तो ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा निकल कर आता है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। यहाँ पर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं। पहले आप लोग इसको समझ लीजिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होती है। मान लीजिए ये एक पेड़ है, इस पेड़ पर अगर कोई कीट पतंगा लगता है तो वो क्या करता है, इस पेड़ को बर्बाद कर देता है। यानी कि अगर मान लीजिए मक्का लग रहा है या फिर आप लोग बात कर लीजिए कपास कॉटन लग रहा है तो उस पर क्या करेगा, इसको खाएगा तो बर्बाद कर देगा। इस पेड़ में कुछ ऐसी चीजें मिला दी जाए कि अगर यहां पर इसको ये खाए तो ये खुद ही खाकर इसको मर जाए, यानी कि पेड़ ही इसके लिए एक तरीके से जहर का काम करने लगे। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है उनके लिए यहां पर कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाता है, यहां पर उनको हम लोग जीएम क्रॉप बोलते हैं। कि यहां पर ना तो उनके ऊपर कीट पतंगे लगते हैं, यूरिया फर्टिलाइजर की भी उनको कम जरूरत पड़ती है कई बार, और इसी के साथ में पानी की भी बोला जाता है कई बार उनको कम जरूरत पड़ती है। साइंटिफिकली इस तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। हमारी कंट्री में जीएम क्रॉप के लिए हम लोगों ने बीटी कॉटन यानी कि जो कपास की वेरायटी है उसको इंप्लीमेंट किया 2002 में, और तब से लेकर हमारी कंट्री में कपास प्रोडक्शन काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिला। तो जो एंट्री हुई थी ये हमारी कंट्री में 2002 से हुई थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेट है जो कि याद रखेगा। ये यहां पर मोनसेंटो ये कंपनी है जिसके द्वारा इसको यहां पर ये बनाया गया था, पिंक बोलवर्म की हेल्प से इसको यहां पर डेवलप किया गया था, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ बातें आप लोग याद रखिएगा। अब आर्टिकल को समझते हैं। आर्टिकल में यहां पर ये बोला गया जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड यानी कि बीज बनाए जाते हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है देखने को, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर आप लोग कोई जीएम क्रॉप के कोई बीज खरीद कर लेकर आओगे, आज खरीद कर लेकर आए खेतों में लगा दिए, उससे आप लोगों ने अपनी फसल ले ली, नेक्स्ट जो फसल आप लोग लेओगे तो ये बीज काम नहीं करेंगे जो इस फसल से निकल कर आएंगे, नहीं, आप लोगों ने फिर से फसल से फिर से बीज खरीदने पड़ेंगे और फिर से खेतों में जाकर उनको लगाना पड़ेगा, तब आप लोगों का काम चलेगा। यानी कि हर साल आप लोगों को यहां पर ये बीज खरीदने पड़ेंगे। अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा अगर आप लोग गेहूं खेतों में उगाते हैं तो घर वाले बोलते हैं कि यार वो जो टंकी है नाज वाली उसमें से एक कट्टा भर ला, वो बीज है उसको वहां पर खेतों में जाकर लगाना है। बेसिकली क्या कर रहे हैं कि गेहूं बोने हैं हम लोगों को। इसी तरीके से गन्ने की फसल आप लोगों ने देखी होगी, अपना खुद के खेत में खुद का ही जो खेत रहता है उसमें कुछ खेत में छोड़ दिया जाता है बीज है ये, इसको हम लोग क्या करेंगे खेतों में गन्ना लगाया जाएगा। वो क्या होता है कैंची का, आप लोगों ने देखा गन्ना होता है उसको कैंची में काट काट कर इस तरीके से मिट्टी खोदी जाती है और उसमें यहां पर कैंची डाली जाती है, ठीक है। किस किसी ने गन्ने की खेतों में गन्ने बोए हैं, तो देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है मेरा काफी वाइड एक्सपीरियंस है, खेती भी की है काफी अच्छे से मैंने, वो भी चीजें एंजॉय की है। तो ये एक तरीके से आप लोग एक तरीके से मुझे लकी बोल सकते हो इस चीज के लिए कि हाँ मैंने सारी चीजें देखी है। तो इस तरीके से मैं आपको चीजें समझा भी पा रहा हूं यहां पर, ठीक है, वरना वही बात होती क्या खेतों में गन्ना कैसे उग जाता है कि बीज लेते हैं उसका ऐसे डाल देते हैं ऐसे फेंक देते हैं वो गन्ना उग जाता है। तो ऐसे भी कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर किसी राज्य के एग्रीकल्चर मिनिस्टर की देखने को मिली थी, तो वो चीजें नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। तो किसानों को नुकसान क्या है, अपने ही खेतों में खेती लगा रहे हैं और वहां पर अपने ही खेतों में से बीज निकालकर फिर नेक्स्ट फसल बो रहे हैं, तो किसानों के ऊपर बर्डन कम पड़ जाता है। अगर हर बार उनको बीज खरीदना पड़ेगा तो उनके ऊपर बर्डन बढ़ जाता है, तो एक काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है। तो इसी के चलते अगर आप लोग देखोगे कॉटन की प्रोडक्टिविटी के बारे में, हमारी कंट्री की जो प्रोडक्टिविटी है वो सबसे नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगी, सबसे ऊपर और दूसरी कंट्री यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। ब्राजील की आप लोग प्रोडक्टिविटी यहां पर देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया चाइना ब्राजील तुर्की और मेक्सिको सबकी प्रोडक्टिविटी हमसे ज्यादा आप लोगों यहां पर नजर आ रही है। सबसे ज्यादा किसकी है, वो ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। तो बाकी सबसे नीचे किसकी है, वो इंडिया की है। तो प्रोडक्टिविटी हम लोग यहां पर ज्यादा नहीं है, रीजन इसका बहुत ज्यादा यही है। एक तो सबसे बड़ी बात आप लोग ये भी बोल सकते हैं हमारे यहां पर जो किसान है फार्मर है वो वेल एजुकेटेड नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। जीएम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है 2002 में हमारी कंट्री में आई, 95% जो एरिया अंडर कॉटन आज के में आप लोगों को देखने को मिलता है वो काफी लार्ज स्केल पर प्राइवेट सेक्टर यहां पर कवर करता है। इसी के साथ में अगर बात की जाए
जो इंडियन कॉटन प्रोडक्शन की 2019 में काफी हाईएस्ट जो प्रोडक्शन हमारा देखने को मिला, जो कि 354 लाख बेल्स आप लोगों को देखने को मिले, गट्ठे होते हैं, गट्ठे नहीं बांधे जाते हैं कॉटन के, वो ठीक है, तो वो देखने को मिलते हैं। अगर वर्ल्ड में आप लोग बात करें तो ये माना जा रहा है इस साल यानी कि 2020 में जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग है कंट्री वो है चाइना, तो चाइना को रिप्लेस कर देंगे कॉटन के प्रोडक्शन में। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ पर पैदावार अच्छी हो रही है, इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ पर जमीन ज्यादा है जिसमें हम लोग खेती कर रहे हैं, पर लेकिन प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है। यानी कि चाइना का अगर ये खेत है, एक बीघे का खेत अगर ये चाइना का है, उसमें चाइना जो है, मान लीजिए चाइना इसमें से ऐसे-ऐसे लाख जो 100 अगर यहां पर बेल्स लेकर आता है, तो इसी इतने ही खेत में इंडिया जो निकाल कर लेकर आता है वो लगभग 50 के करीब निकाल के लेकर आता है। पर लेकिन इंडिया क्या करता है, इंडिया चाइना का एक खेत है तो इंडिया के दो खेत है, तो हमारे यहां पर ज्यादा एरिया में खेती की जा रही है जिसके बेस पर प्रोडक्शन ज्यादा है, यानी कि हमारे खेत की प्रोडक्टिविटी अच्छी है, तो वो यहां पर हम लोगों को देखकर चलना पड़ेगा। बहुत बड़ा रीजन क्या है, ये हाइब्रिड्स के बारे में बात की जा रही है और वैरायटीज के बारे में बात की जा रही है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है, हम लोग बीज खरीद कर लेकर आते हैं उसी को यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर, अपनी जो खुद की बीज की वैरायटी है उसको भी हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं प्रोडक्शन के चलते, तो फार्मर कई बार डिस्ट्रेस में भी आ जाते हैं। अगर किसी रीजन की वजह से मान लीजिए वो बीज वगैरह खरीद के लेकर आए, मेहनत करी सारा काम, और कोई बाढ़ आ गई या फिर कोई सूखा पड़ गया, कोई और कंडीशन बन गई, तो फिर से बीज खरीद कर लेकर आना, उनके पास में बीज के भी पैसे नहीं होंगे, तो इस तरीके से डिस्ट्रेस में भी पड़ जाते हैं कई बार किसान। और यही बात यहां पर समझाने की कोशिश राइटर के द्वारा की जा रही है कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है, इनका मॉडल कुछ ऐसा है कि कंपनी को ज्यादा फायदा पहुंचाती है एज कंपेयर टू फार्मर, तो किसानों को ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाती है। तो ये कंप्लीट आर्टिकल जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे चलता हूं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो यहां पर बात कर रहा है, ये थिंक क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहा है। क्लाइमेट चेंज यानी कि जिस तरीके से एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, वो आज की डेट में सेंटर लेवल पर और स्टेट लेवल पर और यहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और पंचायत लेवल पर आप लोग काम करें, इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपेक्टेशन नहीं रखे कि इंटरनेशनल लेवल पर कुछ होने वाला है। तो सुजाता मैम के द्वारा आर्टिकल लिखा है, काफी अच्छा आर्टिकल है, समझ लेते हैं क्यों। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25 अभी आप लोगों को देखने को मिली, ये हुई मैड्रिड स्पेन के अंदर में 2019 में, कंप्लीटली फेल हो गई। यानी कि पिछली 25 साल में हम लोग यहां पर फेल हो चुके हैं चीजों को इंप्लीमेंट करने में, हर साल मिलते हैं, तो 25वीं कॉन्फ्रेंस थी यहां पर, इसमें कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया। तो सीधा सीधा मतलब क्या है कि हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, वहां पर आकर बात करते हैं और निकल लेते हैं। अगर बात करें यहां पर फाइनेंस एम्बिशन ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट 2020 के लिए, यहां पर अगर आप लोगों को देखने को मिले यहां पर, तो डिस्ट्रेस कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, डिस्कशन तो होता है, पर लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है, जो पावरफुल कंट्री है, उनका अड़ियल नेचर आप लोगों को देखने को मिलता है, वो सपोर्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। यूएसए की बात कर लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब है, आप लोग जानते हैं उनका मानना क्या है, उनका मानना यह है कि फालतू की बात है, ऐसी बात मेरे से भूल कभी मत करना, ठीक है, तो वो ये बातें बोलते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें कार्बन स्पेस के बारे में, तो उन चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो यहां पर रायता फैलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो यहां पर उसको सही करने के लिए तैयार ही नहीं है। नेक्स्ट जो मीटिंग होने वाली है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की नेक्स्ट मीटिंग कहां पर होगी, ये होगी ग्लासगो में, कहां पर, यूके के अंदर में 2020 में। पर लेकिन जब इससे ही कुछ नहीं हुआ, तो उससे क्या निकलेगा, क्योंकि वही लीडर वहां पर आएंगे जो यहां पर आए थे, ऐसा तो है नहीं यहां पर कोई अलादीन का चिराग नया आएगा निकलकर, नए नए लीडर आएंगे, क्योंकि कोई ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है। नवंबर में इलेक्शन होने वाला है, पता चला डोनाल्ड ट्रंप फिर से चुन करा रहे हैं, तो फिर से यहां पर आएंगे मजा लेने के लिए वो, तो इस तरीके से आप लोग इनको बोल सकते हैं, यानी कि रिजल्ट निकल कर आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इस तरीके से सिचुएशन आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर बार बार निकल कर आती है, जो कि आप लोग को देखने को मिलती है। तो कैसे यहां पर सोल्यूशन निकलेगा, तो हम लोग देख सकते हैं, तो पॉलिटिकल जो लीडर है वो यहां पर एक्शन जो है उनको लेकर चलना पड़ेगा। पर लेकिन यूएस के बारे में अगर बात करें, तो ऑलरेडी वो बोल चुका है कि हम लोग इससे बाहर निकलेंगे, वो सारी बातें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। अगर फिर से कंडीशन बनती है तो कोई मतलब उसका बनता नहीं है। तो न्यू डील कब होगी, क्या निकल कर आएगा, क्या होगा, तो उसके बारे में हम लोग फिर आगे सोचेंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए यहां पर स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि अलग अलग, जैसे हम अपने राज्य की बात करें, अपने राज्य के बेस पर काम कर सकते हैं। अलग अलग कंट्री अगर कुछ करना चाहती है, तो नेशनल डिटरमेंट जो प्रोग्राम था बेसिकली, उसके हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं। अगर बात करें यहां पर अगर ढंग से, तो अवेयरनेस फैलाने की काफी ज्यादा जरूरत है, इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है, किस तरीके से जो कंपनी है आज के दिन में वो रिन्यूएबल एनर्जी को आगे लेकर चले, उसके लिए काफी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। पर लेकिन ये स्लो चलेगा, पर लेकिन आप लोग फिर भी इसको लेकर चलिए, ताकि ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके, क्योंकि इसकी वजह से ही एमिशन को रिड्यूस किया जाएगा, इसी की वजह से हम लोग फोकस देंगे कैसे चीजों को अडॉप्ट करके चलना है, और एनर्जी एफिशिएंसी भी यहीं से ही निकल कर आएगी। यानी कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर काम नहीं हो रहा है, तो अपने लेवल पर आप लोग काम करो, तो ये आप लोग कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें,
तो जो को बेनिफिट्स हैं यहां पर इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में अगर बात की जाए तो यहां पर क्या क्या बातें की जा रही है, इंप्रूव करेंगे एनर्जी इफिशियंसी और रिड्यूस करेंगे कॉस्ट, जो लोकल जो यहां पर जो पोल्यूशन होता है उसके खासकर बात की जा रही है। इसी के साथ में इंप्रूव करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो यहां पर इसी के साथ में एक्सेस भी ढंग से बढ़ेगी और हमारा जो रिडक्शन होगा जो एमिशन में, जो हम लोग बोलते हैं दिल्ली में चिल्लाते रहते हैं पोल्यूशन पोल्यूशन, ठीक है। इसी के चलते एक वीडियो मैंने फेसबुक पर शेयर की थी, वो आप लोगों ने सुनी भी होगी, जिससे बोलते हैं कि दिल्ली वालों पोल्यूशन के बारे में तो आप लोग हमको बोल देते हो, अगर आप लोगों को बोला जाए सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है दिल्ली में तो के बारे में क्या बोलोगे तो वही चीज आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है फार्मिंग के बारे में, तो जैसे फॉसिल फ्यूल बेस्ड फर्टिलाइजर होते हैं उससे भी हम लोग किस तरीके से चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं आगे चलकर, तो वो भी बायोडायवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम कर सकते हैं। सिनर्जी यहां पर होनी चाहिए गवर्नमेंट और जो क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए, और प्रोग्राम ऐसे लेकर आने जो प्रॉपर टाइम लाइन में हो सके। देखिए आप लोग की विश होती है कि आईएएस बनना है, पर लेकिन जब तक आप लोग प्लान बनाकर टाइम लिमिट सेट नहीं कर देते कि हाँ तब तक बनना है, तब तक आप लोग काम नहीं करोगे। तो इसी तरीके से आप लोगों को पहले सोचना पड़ेगा कि ढंग से कब हमारा लास्ट हम लोगों को लेकर चलना है कि अब तो बस करना ही करना है, तो वो चीजें फोकस करके चलनी है। तो एस जो यहां पर एस ए पी सी सी है जो यहां पर, ये एक तरीके से काफी लार्ज स्केल पर अच्छा डेवलपमेंट किया जा सकता है कंट्री के लेवल पर, स्टेट के लेवल पर, और इससे भी नीचे अगर आप लोग जाना चाहें तो और अच्छे से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की अगर स्ट्रेटजी हम लोग लेकर चलें तो इसमें फोकस देकर हम लोग को चलना होगा। तो ये बातें यहां पर बोली गई हैं। आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं, यहां पर देखते हैं क्या क्या हम लोग इसमें डिस्कस करना है। यहां पर बात की जा रही है कोरोना